जय श्री राम। अब हम अपने महाकाव्य नवराम गाथा का चतुर्थ खंड, जिसे हमने अवतरण खंड का नाम दिया है, उसे पढ़ेंगे। इसके भाग एक को यह दो भागों में बटा रहेगा, क्योंकि अब 213 चौपदियाँ हैं इसमें, तो एक साथ बहुत दीर्घ हो जाएगा। अवतरण खंड प्रारंभ होता है। राक्षसी प्रकोप अप बढ़ने लगा, निस्दिन उत्थान पकड़ने लगा, लहराई अधर्म की काली ध्वजा, सद्धर्म हुआ अब ठगा ठगा। आसुर माया ऐसे पसरी, जन साधारण की सुध विसरी, जन का मन भी अब अधम हुआ, अब सके चरित्र का पतन हुआ। बिन श्रम ही चाहे सब रिद्धि, बिन तप ही चाहे सब सिद्धि, सब चाहे सुखमय वास मिले, अनायास मिले अप्रयास मिले। जब सब जन ऐसा चाहेंगे तो सोचो कैसे पाएंगे, सामाजिक द्वंद्व मचाएंगे और मत से न्याय दिखलाएंगे। जब कोई भी विकृति आती है, जब भी कोई विकृति आती है वह सुंदरता को खाती है, विकृति विकृत को नहीं छूती, सुकृति को क्षति पहुंचाती है। अब यही दशा सामाजिक थी जो आसुरता से प्रभावित थी, सद्धर्म की अवनति करते हुए अधर्म को करती प्रचारित थी। असुरों का ऐसा प्रकोप हुआ, नैतिकता का तो लोप हुआ, चरित्र पतन के मापन में मातृक को भी संकोच हुआ। असुरों ने यज्ञ में डाला विघ्न, हुई पूर्ण व्यवस्था छिन्न भिन्न, सत्कर्मों को बाधित करकर असुर बनाए संस्कृति निम्न। संस्कृति लग गई एक कोने, अब वसुंधरा भी लगी रोने, भय से व्याकुल संसार हुआ, सृष्टि लगी कंपित होने। सद्धर्म का पतन प्रारंभ हुआ, प्रकृति का शोषण आरंभ हुआ, अति शोषण से संकट उपजालो, प्रकट हुई घातक विपदा। यह विपदा प्रकृति पर थी आई, यह विपदा संस्कृति पर छाई, विपदा ने सबको त्रस्त किया, यह विपदा थी अति दुखदायी। बढ़े निशाचर शोषक लंपट, सब जीवों पर छा गया संकट, बिन सशक्त प्रतिरोध प्रदूषण बढ़ा जा रहा था निष्कंटक। ऐसे में धरा लगी अकुलाने, इसकी व्यथा बस विधि ही जाने, पर विवश बिरंच भी देख रहे, कुतपों के कुफल को पहचाने। मुनिदेवों ने अर्थ पुकार किया हो, विवश ब्रह्म ने विचार किया, अब कुछ न कुछ करना होगा, श्री हरि को पग धरना होगा। श्री नारायण सब जान रहे, विपदा का दंश पहचान रहे, नारायण ने दिया आश्वासन, अब धरा पर होगा ममागमन, मम आगमन मेरा आगमन। जब असुर उपद्रव करते हैं तब नारायण नर बनते हैं, जब असुर उपद्रव करते हैं तब नारायण नर बनते हैं, नर रूप धरे यह नारायण असुरों का मर्दन करते हैं। असुरों का दमन बध करके हरिषद्धर्म प्रवर्तन करते हैं, शतपथ प्रशस्त कर नारायण संस्कृति को सनातन करते हैं। आश्वासन का एक वचन, आश्वासन जो है, अब ये हमारा विचार बिंदु है, ये कविता है, ये अलग हो जाता है। ये आश्वासन का एक वचन ही दुख त्राता बन जाता है, आश्वासन का एक कथन ही सुखदाता बन जाता है, आश्वासन के एक वचन से सहनशीलता है बढ़ जाती, आश्वासन के एक कथन से पुलकित होती मानव छाती, आश्वासन का एक कथन ही जीवन दान दे जाता है, आश्वासन का एक वचन ही अभय दान बन जाता है, आश्वासन का एक वचन ही सभी शोक हर लेता है, दुख से आहत लथपथ मन में नवोत्साह भर देता है। एक चिकित्सक का आश्वासन मरणासन को आस दिलाता, एकमात्र आश्वासन ही तो जीवन का विश्वास दिलाता, एकमात्र आश्वासन पर ही प्रेम उपज जाता है मन में, वही प्रेम पुष्पित पल्लवित हो परिवर्तित होता नंदन वन में। एकमात्र आश्वासन पर ही व्यक्ति दुरस्थ का वास करे, एकमात्र आश्वासन पर ही निज गृह से दूर प्रवास करे। सेनापति के आश्वासन से सेना रण का दंभ भरे, आश्वासन के बल पर ही तो सेना द्वंद्व प्रचंड करे। एकमात्र आश्वासन पर तो बाला निज गृह तज देती है, सिसक सिसक कर रो रो कर भी निज वर के संग हो लेती है। एकमात्र आश्वासन पर ही तो असफल को भी सफल करे, एकमात्र आश्वासन ही तो असफल को भी सफल करे, आश्वासन वह चमत्कार है निर्बल को भी प्रबल करे। आश्वासन वह उत्प्रेरक है जो विश्वास जगाता है, आश्वासन के संबल पर नर स्वयं सफलता पाता है, आश्वासन आस जगाता है मन को विश्वास दिलाता है, जीवन में छाई घोर निशा को क्षण में मार भगाता है।
प्रलय मेघ जीवन में आए, मन में झंझावात उठाएं, आश्वासन का एक कथन तब प्रखर सूर्य बन जाता है। बैरी दल जब ललकार भरें और मन में भय का भाव भरें, बैरीलल जब ललकार करें और मन में भय का भाव भरें, आश्वासन का एक वचन तब प्रबल तुर्य बन जाता है। आश्वासन का एक वचन सब पथ प्रशस्त कर देता है, आश्वासन का एक वचन ही प्रबल भाव भर देता है। आश्वासन की आस लगाना और उस पर विश्वास जताना, पूर्व परीक्षण आवश्यक है तभी पथ पर पगम बढ़ाना। आश्वासन दाता की मनसा, आश्वासन क्या बल होती है, उसकी विश्वसनीयता नैतिकता इसको शक्ति प्रबल देती है। अतः हमें पहचानना होगा हम किस जन पर करें भरोसा, किसका वचन प्रबल कवच है, किसका आश्वासन है थोथा। हे नर्तन को पाने वालों, धरा धाम को चलाने वालों, जन को जब भी आश्वासन तुम दो, तन से मन से धन से दो, क्योंकि आश्वासन का एक कथन ही सामाजिक परिवर्तन लाता है, आश्वासन का एक वचन ही धरती को स्वर्ग बनाता है। आश्वासन समाप्त हुआ। विष्णु भगवान ने कहा ऋषियों से कि मैं अब अवतार लूंगा। अब कथा आगे बढ़ती है विचार बिंदु से। पा नारायण से आश्वासन सबने किया निज लोक गमन कब, नारायण नर रूप धरे सब करे चिंतन निज मन ही मन, इधर अयोध्या सुंदर देश, दशरथ श्री हैं इसके नरेश, यत्र तत्र सर्वत्र प्रसन्न सब, जन जीवन में नहीं कोई क्लेश, दशरथ जी हैं महा उपकारी, इनको प्रजा प्राण से प्यारी, दशरथ के कल्याण भाव से प्रजा भी अतिशय आज्ञाकारी, जन जीवन में सुख ही सुख है पर राजा के मन में दुख है, तीन पत्नियों के रहते भी राजभवन में न एक भी सुत है, राजा मन से अति उदास पहुंच गए निज कुलगुरु पास, विनय भाव से शीश झुकाकर मृदुवाड़ी में बोले नृपवर, गुरुवर राज्य में सुख ही सुख है किंतु मेरे मन में एक दुख है, आधा जीवन बीत रहा है किंतु पुत्र सुख रीत रहा है, तीन पत्नियों के रहते भी मैं संतान से हीन हुआ हूँ, भले अयोध्या का राजा हूँ पर जग में सबसे दीन हुआ हूँ, गुरुदेव कोई तो उपाय करें जिससे यह दीनता दूर हटे, मन पर छाए जो श्याम मेघ वह किसी भांति तत्काल छटे, इच्छा को कुल का यह सूरज कहें मम उपरांत अस्त होना, रघुकुल का यह वंश महल मेरे उपरांत ध्वस्त न हो, इच्छाकुकुल का यह सूरज कहीं मम उपरांत अस्त न हो, रघुकुल का यह वंश महल मेरे उपरांत ध्वस्त न हो, कोई देयक मुझ पर शेष नहीं पितरों का ऋण ही शेष रहा, यह ऋण कैसे भुगतान करूं मेरे कुल का डूब दिनेश रहा, तन में मेरे अब भी अति बल पर मन मेरा हो रहा दुर्बल, यदि मैं सुत सुख सहित रहा तो कैसे होगा आगामी कल, धरती को किया गंगा अर्पण उस कुल में कौन करे तर्पण, यदि मैं ही निसंतान मरा पुरखे प्यासे ही रहेंगे प्रतिक्षण, हे गुरु वशिष्ठ अब विचार करें मेरी वांछा का उपचार करें मैं भी सुत सुख का लाभ करूं, शिशुलीला निज नयनों में भरूं, मेरे अजर में गूंजे किलकारी शिशुओं की रुनझुन पैजनी बजे, मैं उन्हें प्रेम से गोहराऊं पर वे शिशुलीला में दूर भगें, गुरु बोले सुनिए महाराज अति शीघ्र पूर्ण होगा ये काज, कुछ अवधि धैर्य धरें राजन किलकारी गूंजेगी आंगन, सुतचार मिलेंगे महाराज पूजेगा जिनको यह समाज, संस्कृत का रक्षण पोषण कर संस्थापित कर देंगे समाज, यज्ञ करना होगा पुत्र काम जिससे नृप होंगे पूर्ण काम, सिंह ऋषि हैं धन्य नाम शुभ कर्मों के हैं पुण्य धाम, हे राजन अंग देश जाए ऋषि सिंह को सादर ले आए, ऋषि सिंह को सादर ले आए, हे नृपवर ऋषि का ध्यान करें कल प्रातः काल प्रस्थान करें, नृप बोले मुनि वह ही होगा जैसा कि आप आदेश करें, मैं सर्वयुक्त अपनाऊंगा ऋषि जैसे अवध प्रवेश करें, दशरथ ने धरा तापस का वेश प्रस्थान किए, फिर अंगदेश पदयात्रा की श्री दशरथ ने पद त्राण रहित सह कष्ट अनेक, नृप पहुँचे जब ऋषि सिंह पास मुख मुद्रा थी अतिशय उदास, ऋषि चरणों में बैठे राजन की अभिनय भाव से प्रतिवेदन, ऋषि डाले मुझ पर कृपा दृष्टि कर दीजिए यज्ञ पुत्र का मिष्टि, अब आप ही मेरे इष्ट बने जैसे कि मेरा अभिष्ट बने, याचक नृप ने उद्गार किया,
ऋषि सिंह ने सब स्वीकार किया। बोले ऋषि सिंह सुने राजन, मैं अवध करूंगा आगमन। नृप अवध में जाकर राज करें, यज्ञ से संबंधित कार्य करें। मैं तुरंत यज्ञ संपूर्ण करूं तो पुत्र कामना पूर्ण करूं। फिर ऋषि ने पुत्र का यज्ञ किया और हवि दशरथ के हस्त दिया। ऋषि बोले नृप प्रस्थान करे, रानियों को हवि प्रदान करें। हवि लेकर नृप का हर्षित मन किया अंतःपुर की ओर गमन। हवि देख रानियां अति पुलकित, दशरथ ने किया अब हवि वितरित। नृप ने हवि के दो भाग किए, कौशल्या को एक भाग दिया। अब शेष रहा जो अर्धभाग, राजन ने फिर दो भाग किया। हवि के इस चतुर्थ भाग को कह के ई के हाथ रखा, शेष बचे चौथाई भाग को नृप ने अपने पास रखा। शेष बचे चौथाई भाग का नृप ने फिर दो भाग किया, प्रमुदित होकर इन भागों को सुमित्रा के हाथ दिया। समय समान गति से चलता, अब ये समय की गति पर है। मेरी कविता से पहले विलियम शेक्सपियर की एक कविता है टाइम करके, तो थोड़ी सी प्रभावित तो है किंतु पूरी की पूरी कॉपी नहीं है। हमें ये नहीं कि अब बताएं ना, जहाँ तक मुझे लग रहा है संदर्भ जो लिया गया है आधार वही है, किंतु भारतीय परिवेश में कर दिया गया है इसे। समय समान गति से चलता, पर मनुष्य को यह नहीं लगता। तभी तो नर दिखलाए अकुलता, कभी कातरता कभी आतुरता। समय समान गति से चलता, पर मानव मन को यह लगता। सुख दुख में मात्रक परिवर्तन, समय करे परिवर्तित नर्तन। मन से घायल ऐसे नर को दुख ने घेर रखा जिस घर को। सोचो उसको क्या लगता है, समय समान चाल चलता है। दुख से घायल दबा हुआ नर समय को मान चुका है निश्चर। समय पड़ रहा उस पर भारी, चाहे जिसने विपदा डाली। नहीं सूझता अब कोई मार्ग, विपदा से आहत उसका जग। दुख से घायल व्याकुल नर को समय है लगता अतिशय तीरग। तीरग तीरग अतिशय तीरग। समय समान गति से चलता, पर सुख भोगी नर को लगता। समय अतिव लघ रूप धरे है, साथ मेरे कुहास्य करे है। सुख का समय अतिव आनंदित, नर चाहे बीते यह मंदित। अशाश्वतता इससे करती खंडित, नर सोचे क्षण अतिशय चंडित। सुख का समय पलक पर बीते, सुख का क्षण क्षण भर में बीते। सुख का क्षण उत्तम लगता है, अतः समय लघुतम लगता है। समय समान गति से चलता, पर भय कंपित नर को लगता। मेरा भय जब मुखर हुआ है, समय भी अति तीव्रतर हुआ है। भय से नर कांपता है थर थर, भय से नर भागता है क्षण क्षण। पर भय उसका साथ न छोड़े, समय साथ भय आता दौड़े। पर भय भी तो यही समझता, क्षण और भय में बड़ी निकटता। मात्र समझ के भ्रम से नर को समय गति में दिखे तीव्रता। जो मानो करता है प्रतीक्षा, कंपित होती जिसकी तितिच्छा। वह नर यही सोचता रहता, कब पूरित होगी वह इच्छा। मन से आकुल तन से व्याकुल, पथ निहारता हो बिरहाकुल। कभी व्यग्रता कभी आतुरता, कभी आक्रोश तो कभी मधुरता। जब मनुष्य प्रतीक्षा करता है तो वह कहाँ धैर्य धरता है। धैर्य रहित प्रतीक्षारत नर को समय वेग मंदित लगता है। पर जो नर जग से प्रेम करे और प्राणी मात्र का क्षेम करे। जो नर सदैव संभाव रखे, मन में न कोई दुर्भाव रखे। जो सदा ही प्रभु से आस रखे और प्रभु पर ही विश्वास रखे। स्थिर रखता अपनी मति को, वही समझता समय की गति को। ऐसे प्रज्ञा युक्त मनुष्य को देख सके जो जग भविष्य को। हृदय चक्षु से देख रहा जो समय वेग शाश्वत लगता है। समय सदा निरपेक्ष ही चलता, पर मन तो सापेक्ष ही चलता। मन चाहे सुख क्षण हो दीर्घ हो आनंद क्षण दीर्घ दीर्घ। मन चाहे जीवन हो उत्तम, दुख के क्षण हो अतिव लघुत्तम। सदा प्रकाश वाह का वास रहे, जीवन में न रहे कोई तम। समय सदा शाश्वत चलता है, समय वेग अविरत रहता है। मानव यदि संभाव रखे तो समय सदैव एक रहता है। कविता समय पर जो है अब समाप्त हुई। अब दशरथ का कहानी आगे बढ़ रही है। दशरथ की भी यही दशा थी, उनको समय मंद लगता था। पुत्र कामना की इच्छा में समय उन्हें प्रचंड लगता था। पर एक दिन वह समय भी आया, राजभवन अतिशय हर्ष आया। राजभवन से निकल संदेशा, पूर्ण राज्य में उत्सव छाया। पांच सहस्र इस पंक्तियों पर विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये परिवर्तित हो जाएंगी। ये कोई हम भगवान जी के वो जन्मतिथि हम निश्चित नहीं कर रहे हैं कि उनका अवतरण बस इतने ही साल पूर्व हुआ है।
इसमें विवाद करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। 5114 ईस्वी पूर्व में यह घटित हुआ था। इक्ष्वाकु के राजभवन में संस्कृत का सूरज उदित हुआ था। ऋतु वसंत और चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, चार पुत्र पाकर दशरथ के मुख पर छाई अमित स्मित थी, स्मित हंसी। नखत पुनर्वसु अभिजित मुहूर्त, प्रकट हुए नारायण मूर्त। 12 कला युक्त आए थे, साथ 3 अंश लाए थे। कौशल्या से हुए नारायण, कैकेयी से अंश हुए, और सुमित्रा महारानी से शेष अंश 2 वंश हुए। मध्य दिवस में प्रकटे थे प्रभु, शीतल मंद सुरभ थी वायु, मधु वसंत छाया था जग में, कुसुमत थी अवनी पग पग में। पुत्र जन्म से पुलकित राजन, प्रजा बनी थी कृपा का भाजन। भांति भांति निज प्रदान किए थे, मनोवांछित अनुदान दिए थे। दशरथ के दुख का दहन हुआ, नवजीवन का आगमन हुआ। बीथी नगर वाटिका हाट सजे, अति मधुर कर्ण प्रिय नाद बजे। 24 दिन पहले बीत चुकी थी, होली अवध में फिर आई। जहाँ और रंग गुलाल उड़े, रंगों की घटा धन दस दिस छाई। कहीं शंख बजे, मृदंग बजे, कहीं घंटा और घड़ियाल बजे, कहीं बजे मंजीरे ढोल बीन, कहीं खंजड़ी और करताल बजे। कहीं झांझ पखावज डफली तो कहीं चिमटा ढोलक थाल बजे, कहीं बजे डिमडिमा डम डम डम, कहीं तबला पर ताल बजे। कहीं बजी डुगडुगी डिम डिम डिम, कहीं बजा नगाड़ा धम धम धम, कहीं नौबत की नाद बजे, कहीं तानपुरा पर राग बजे। कहीं डमरू से होता डम डम, कहीं एकतारा का तार बजे। कहीं रणसिंघा कहीं तुरही तो कहीं बीड़ा सारंगी आज बजे। कहीं बजे बांसुरी की धुन धुन, कहीं बाजे पग घुंघरू छुन छुन, कहीं बाजे पायल छम छम छम, नर्तक संग नाचे सबका मन। कहीं गीत सुनाए पिक बैनी, कहीं नृत्य दिखाए मृग नयनी, कहीं मधुर हासिनी मुस्काए, कहीं संकुचाए कंचन बदनी। सूरज लगभग 1 मास रुका, पर जन उत्साह कभी न झुका। चलकर चल चल कर सूरज भी हारा, उसे रजनीश्वर ने संभाला। यह अवध महोत्सव ऐसा था कि देव स्वयं नर रूप धरे, किन्नर गंधर्व अप्सरा भी 1 मास धरित्री पर ही रहे। राजा ने हैघज दान किया, मणिकंचन रजत प्रदान किया, पाकर सुंदरतम वस्त्रों को सबने आशीष प्रदान किया। जब जन्मोत्सव बीत गया तब नामकरण का दिन आया। शुभ दिन मुहूर्त और बेला में नृप ने कुलगुरु को बुलवाया। गुरु ने देखा कौशल्यासुत तो मन में उपजा अतिशय सुख। गुरु ने देखा कौशल्यासुत तो मन में उपजा अतिशय सुख। गुरु बोले ये सुख धाम है, ये जग अवलंबन राम है, ये सबके पूर्ण काम है, ये थकितों के विश्राम है, ये जग के अभिराम है, सुंदरता के छविधाम है। सकल विश्व का पोषणदाता भरत नाम होगा विख्याता, ये शिष्य जो निर्भय मुस्काता होगा शत्रु जन भयदाता। सभी लक्षणों से जो पूरे जिनके बिन हैं राम अधूरे, सदा सुलक्षण दिखलाएंगे जग में लक्ष्मण कहलाएंगे। नृप दशरथ हो रहे हैं हर्षित, सभी रानियों के मन पुलकित। शिशुओं की सैसव लीला तो सबके मन को करे आकर्षित। सैसवपन उनका बीत गया, चंचल बालापन अब आया। दशरथ जी के राज अंजिर में था बचपन ने धूम मचाया। बच्चों की किलकारी से राजभवन भी मुस्काया, बच्चों के जब नुकुर बजे तो समझो पंचम सुर ने गाया। कभी काक को पास बुलाते, कभी काक को दूर भगाते, कभी निज छाया छूने जाते, कभी निज छाया देख चिल्लाते। चूड़ा कर्म हुआ कुंवरों का और फिर विद्या आरंभ हुआ, यज्ञोपवीत के साथ ही उनका गुरुगृह अध्ययन आरंभ हुआ। चार कुमारों में सब गुण थे, चारों हर विद्या में निपुण थे, सभी कुमार धर्म रक्षक थे, उनमें मानवता के सब सदगुण थे। सभी कुंवर थे आज्ञा पालक, अतिशय निपुण शस्त्र संचालक, गुरु शिष्य मर्यादा वाहक, धर्म नीति के सब ध्वज वाहक। कई शास्त्रों का स्मरण किया, गुरु आज्ञा का अनुसरण किया, सभी सदगुणों को कर आत्मसात और शीघ्र सफलता प्राप्त किया। जैसे ही अध्ययन पूर्ण हुआ सभी कुंवर अयोध्या को आए, महाराज के राजकाज में सबने यथोचित हाथ बटाए। राजकुंवर के देख रेख में राज प्रजा अतिशय सुखमय थी, सभी ओर संतुष्ट राज था, कहीं भी स्थिति नहीं दुखमय थी। जो भी देखे राम लखन को दशरथ सुत
भरत शत्रुघ्न को सारी प्रजा राम पर मोहित, राम से ही थी अयोध्या शोभित। इस अवनि पर राज्य अयोध्या स्वर्ग लोक का परिचायक था, नृप दशरथ के राजकाल में धर्म बना सबका नायक था। नमस्ते, ये अवतरण खंड का भाग एक है, इसके पश्चात इसका दूसरा भाग आएगा जिसमें सीता जी के आविर्भाव पर विचार व्यक्त किए गए हैं।